डेविड कैमरन के बाद ब्रिटेन की कमान कौन संभालेगा, इसकी रेस में कंजर्वेटिव पार्टी की दो महिला उम्मीदवारों के नाम आगे चल रहे हैं, जिससे साफ है कि ब्रिटेन को दूसरी महिला पीएम मिलना तय है। देखिए एक रिपोर्ट। ब्रिटेन को फिर मिलेगी महिला पीएम, ब्रिटेन की कमान होगी महिला प्रधानमंत्री के हाथ। मार्गरेट थेचर के बाद दूसरी महिला पीएम कौन? जी हाँ, इन सवालों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। ब्रेक्सिट के बाद डेविड कैमरन ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि कैमरन के बाद अब ब्रिटेन की कमान किसे सौंपी जाएगी। पीएम पद की रेस के लिए 5 नाम सामने आए, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे, माइकल गो, एंड्रिया लिट्सम, स्टीफन क्रेप और लियाम फॉक्स के नाम शामिल थे। लेकिन दो चरणों में हुए मतदान में थेरेसा मे और एंड्रिया लिट्सम को छोड़ सभी नाम पिछड़ते चले गए और इन दोनों नामों में भी थेरेसा मे का नाम आगे चल रहा है। गुरुवार को 329 सदस्यों वाली कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर हुए गुप्त मतदान में गृह मंत्री थेरेसा मे को 199 और ऊर्जा मंत्री एंड्रिया लिट्सम को 84 मत मिले। ऐसे में काफी हद तक माना जा रहा है कि 9 सितंबर को घोषित होने वाले नतीजों में थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला पीएम हो सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर थेरेसा मे है कौन। थेरेसा मे ब्रिटेन की गृह मंत्री है। 1997 में पहली बार सांसद चुनी गई। साल 2002 से 2003 तक कंजर्वेटिव पार्टी की अध्यक्ष भी रही। थेरेसा की छवि राष्ट्रवादी और उदारवादी नेता की है। थेरेसा को गंभीर, अनुभवी और ईमानदार महिला माना जाता है। कैमरन की तरह थेरेसा भी यूरोपीय संघ में रहने के पक्ष में थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने भी थेरेसा को एक प्रबल दावेदार माना है। वहीं इस रेस में जो दूसरा नाम आगे चल रहा है वो है एंड्रिया लिट्सम। एंड्रिया लिट्सम ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। एंड्रिया ने 25 साल तक बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में काम किया है। 2010 में एंड्रिया सांसद चुनी गई। एंड्रिया यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में थी। तो ये दो नाम है जिनमें से एक का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। एक और बात जो साफ है वो ये कि अब ब्रिटेन को दूसरी महिला पीएम मिल जाएगी। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर थी, जिन्होंने लगातार 11 वर्षों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के तौर पर शासन संभाला था। तो साफ है कि ब्रिटेन की कमान महिला पीएम को सौंपी जाएगी, लेकिन वो कौन होंगी, थेरेसा या एंड्रिया, इसका फैसला 9 सितंबर को सबके सामने होगा। हालांकि अटकलें तेज है कि थेरेसा का पीएम बनना लगभग तय है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।